की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तस्वीर, नारे इंसान, सरकार की आमद, सरकार की आमद, ताहा की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद. आज मैं जो है पूरे हिंदुस्तान को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और सबसे बड़ी जो मुबारक है हमारे जो मेंढर के उलमा हैं मौलवी सुल्तान साहब, मैं उनको अपनी पूरी सनातन की ओर से और जो हमारा यूथ है इसकी तरफ से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ. ये जो हमारा ईद मिलादुन्नबी है ये पूरे देश में, और अल्लाह मालिक ने इनको कुरान गिफ्ट में दी थी कि जाओ जाके लोगों का भला करो. उन्होंने ये नहीं कहा था कि हिंदू का नहीं कर रहा मुसलमान का कर रहा, उन्होंने कहा था कि सब लोगों का जो है उसमें हिंदू मुसलमान सिख सब है, सब का भला कर रहा. तो वो मैं अपनी सनातन की ओर से ज़्यादा मैं पूरी गहराई में नहीं हूँ कि वक्त कम है, तो मैं पूरी सनातन की ओर से पूरी मेंढर की ओर से जो हमारी यूथ है जिन्होंने आज यहाँ पर स्टार लगाया
और मैं मौलाना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आए और 10-15 मिनट हमारे स्टॉल के ऊपर रुके और हर आदमी को चाहे एक केला मिला चाहे एक सेब मिला बड़े इज्जत के साथ वो आए और हमारा शुक्रिया अदा किया और हमें मुबारकबाद दी जिसके हम काबिल नहीं थे। और मौलाना साहब ने बड़े अच्छे तरीके से पूरे लोग विधिपूर्वक आए और यहाँ से जो है स्टॉल का एक एक केला लेके चले गए। मैं पूरी मेंढर की तरफ से पूरी अवाम की तरफ से मेंढर तहसील को और पूरे हिंदुस्तान को जो है मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातुवस्सलाम अलैका सैयदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वा सहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सदकल्लाहुल अज़ीम। आज 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से मरकज़ी जामे मस्जिद मेंढर से एक आलीशान नूरानी जुलूस नमूदार हुआ जो बाजार सदर बाजार से होता हुआ वापस मस्जिद की तरफ रवान दवा है। आज इस जुलूस की वसात से मैं अपनी उम्मत मुसलमान को एक पैगाम देना चाहता हूँ। हम उस नबी की विलादत की खुशी में आज निकले हैं जिसको अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा है, लिहाजा रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत का ये पैगाम है कि सारी दुनिया के अंदर अमन किया जाए, अमन किया जाए, इंसानियत की इज्जत की जाए, इंसानियत की कदर की जाए, मजलूम का साथ दिया जाए, जालिम के हाथ को जुल्म से रोका जाए। यही पैगाम मदीने वाले का था, यही पैगाम मेरे आका ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि इंसानियत को बचाना है, इंसानियत की हमदर्दी करनी है। और आपने फरमाया कि सारी कायनात अल्लाह का एक कुंबा है, लिहाजा उसको अल्लाह का कुंबा समझकर उसका अदब और एहतराम करना है, इस दीन की हिफाजत करनी है, अल्लाह के दीन के को घर घर पहुंचाना है। और उस एतबार से आज का दिन उम्मत मुसलमा के लिए खुशूसी तमाम आलम इंसानियत के लिए यह रहमत का दिन है, यह फरहत का दिन है, यह खुशी का दिन है। आज के दिन हम अपनी तमाम इंसानी बिरादरी को बिलखसूस उम्मत मुसलमा को यह पैगाम देना चाहते हैं, हिंदुस्तान निवासियों को हम खुसूसी पैगाम देना चाहते हैं, अमन के साथ रहो, इत्तेफाक के साथ रहो, भाईचारे के साथ रहो, जात पात ऊंच नीच की सारी दीवारों को गिरा के आपस में भाई भाई बन के रहो। और मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूँ, हमारी मेंढर की एक तारीख चल रही है हिंदू मुस्लिम सिख के तहत, खुदा के लिए नबी के वास्ते से इस तारीख को आप जिंदा रखोगे, मेरी यही पैगाम है। अल्लाह ताला हम सबको इत्तेफाक से रखे, मोहब्बत से रखे।